इस प्लस को मैंने पिछले वीडियो में कायद किया है, आज मैं आप लोगों को इसका सिलाई दिखाऊंगी। सबसे पहले इसका फिटिंग्स देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इसका फिटिंग्स किस तरीके से आया है, आप लोग कुर्ती देख सकते हैं, परफेक्ट यहाँ पर फिटिंग्स हुआ है। ये देखिए कतरी की बात करें, कतरी भी बहुत अच्छे से यहाँ पर फिटिंग्स आ गया है। तो अगर आप लोग भी मेरे जैसे परफेक्ट फिटिंग्स इस तरीके से ब्लाउज आते तो इसका कटिंग के वीडियो को तो जरूर देखना होगा, मैंने अपलोड कर दिया है, देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कतरी कुर्ती देख लीजिए, इस तरीके से कतरी के फिटिंग्स आना चाहिए। बहुत लोगों का कहना है कतरी फिटिंग्स नहीं होता है, तो फ्रेंड्स आप लोग कटिंग में गलती कर देते हैं, इसलिए आपका ब्लाउज कतरी में परफेक्ट फिटिंग्स नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका डीप ज्यादा है, फिर भी यहाँ पर शोल्डर नहीं गिर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग कुर्ती देख लीजिए, इस ब्लाउज का बैक साइड की तरफ से कैसे फिटिंग्स आया है। तो यहाँ पर देखिए कहीं जगह पे भी यहाँ पर लूजिंग नहीं है, पूरा का पूरा यहाँ पर फिटिंग्स है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी मेरे जैसा परफेक्ट फिटिंग्स ब्लाउज पाना चाहते हैं तो इसका कटिंग का वीडियो को तो सबसे पहले जाकर देखिए, उसके बाद सिलाई का वीडियो देखिए। तो चलिए किस तरीके से परफेक्ट फिटिंग्स ब्लाउज सिलाई करना है वही देखना है। तो सबसे पहले देखिए, पहले कतरी का पार्ट सिलाई करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका कटिंग का वीडियो को देखिए। अगर आप लोग सिर्फ सिलाई का वीडियो देखेगा, कटिंग का वीडियो नहीं देखेगा, तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों कतरी का पार्ट को कुछ इस तरीके से मैंने बराबर मिलाकर ले लिया है। तो चलिए अभी यहाँ से डबल सिलाई करना है। डबल सिलाई करने के बाद साइड चेक पिको कर देना है, अगर आपके पास पिको नहीं होने से किनारे से फोल्डिंग करके सिलाई कर देना है। तो उस टाइम पर क्या करना होगा, आप इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर रखना होगा सिलाई के लिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिलाई करने के बाद तो चलिए यहाँ से दांत लगाना है, कतरी का दांत। इसको देखिए बिल्कुल इस तरीके से बराबर लेना है, जो दोनों कतरी को ज्वाइन किया है इसको देखिए बिल्कुल बराबर रखने के बाद यहाँ से 1 इंच का दांत लगाऊंगी और ऊपर के साइड की तरफ से 1/2 इंच तक सौर दूंगी, जहाँ तक दोनों कतरी को ज्वाइन किया है वहाँ से। तो एक कतरी का पार्ट सिलाई कर ली है, तो चलिए दूसरा कतरी का पार्ट भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक का ऊपर एक रखूंगी, जो छोटा वाला पार्ट है इसको ऊपर में रखूंगी और यहाँ से देखिए बिल्कुल बराबर यहाँ से सिलाई करना है। मैंने यहाँ पर हल्का सा काट कर दिया है, जहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा अस्तर का फैब्रिक है इसको काट कर दिया है। उसके बाद दांत लगाना है, दांत यहाँ से मैं 1 इंच का दांत लगाऊंगी, अगर आप शेप ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से भी ज़्यादा देना है। तो दोनों कतरी का पार्ट सिलाई करने के बाद तो चलिए आर्मोल का पार्ट ज्वाइन करूँगी। यहाँ से देखिए इसको बिल्कुल यहाँ से बराबर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आर्मोल का पार्ट को ज्वाइन करके लिया है, तो चलिए अभी यहाँ से युगपट्टी सिलाई करूँगी। युगपट्टी सिलाई करने के लिए यहाँ से कुछ मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने मेजरमेंट ले लिया है, तो चलिए अभी युगपट्टी सिलाई करना है। युगपट्टी सिलाई करने के लिए यहाँ से देखिए पहले इसको यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मिलाना है। आर्मोल के नीचे से जितना इस तक भी लेना है आप ले सकते हो, वो अपने हिसाब से रखना है।
तो इसलिए अभी यहाँ से सिलाई करना है। सिलाई देखिए बिल्कुल किनारे से बराबर करके सिलाई करना है। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से सिलाई करने के बाद तभी यहाँ से देखिए दो सूट नहीं तो तीन सूट का लगभग इस तरीके से और एक सिलाई देना है। ये सिर्फ फ्रंट साइड की तरफ से ही देना है। एक साइड के यूपी पट्टी सिलाई कर लिया है तो चलिए दूसरा साइड का भी सिलाई करूँगी। यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 3 इंच साइड से 2.5 इंच कुछ इस तरीके से इलाका ले लूँगी। यहाँ पर सिलाई कर लिया है तो इसलिए अभी यहाँ से हुक पुट्टी सिलाई करूँगी। तो यहाँ से देखिए इसको देखिए उल्टा साइड की तरफ से रखूँगी। जिस साइड की तरफ से हुक का अगर सिलाई करना है उसी साइड की तरफ से इसको उल्टा साइड की तरफ से रखूँगी। उसके बाद फिनिशिंग का सिलाई देने के बाद इसको सीधा साइड की तरफ से फ्लैट कर लेना है। तो इसलिए यहाँ से फिनिशिंग के लिए सिलाई दूंगी। यहाँ से साइड से जितना भी फैब्रिक ज़्यादा है इसको काट कर लूँगी। तो चलिए अब यहाँ से कुछ इस तरीके से फोल्डिंग कर यहाँ से सिलाई करना है। सिलाई देखिए जहाँ तक मैंने फोल्डिंग किया है वहाँ तक ही ठीक बराबर यहाँ पर सिलाई लगाना है। एक साइड की तरफ से हुक पोटी सिलाई करके लिया है तो चलिए अभी दूसरा साइड का हुक पोटी यहाँ से काट करना है। तो इसको यहाँ से देखिए मैंने 1.5 इंच तक रखकर काट किया है और इसको किनारे से थोड़ा सा फोल्डिंग करके सिलाई कर लेना है। और ये देखिए इसको देखिए सीधा साइड की तरफ से लगाना है। जिस साइड में हुक सिलाई करना है उसी साइड की तरफ से है ये। इसको देखिए बिल्कुल सीधा साइड की तरफ से इस तरीके से सिलाई करने के बाद यहाँ पर देखिए छोटा सा प्लेट डाल दूंगी। यहाँ से इस तरीके से छोटा सा प्लेट नहीं डालने से हुक पट्टी का जब भी उल्टा साइड की तरफ से पलट लेगा तो उस टाइम पर कपड़ा खींचा हो जाएगा और कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा हुक पट्टी कम हो जाएगा। तो चलिए अभी इसको उल्टा साइड की तरफ से कुछ इस तरीके से फोल्डिंग कर यहाँ से कैसा सिलाई दिया जाएगा। तो चलिए सिलाई करने के बाद कुछ इस तरीके से बराबर यहाँ से मिलाकर देखना है। जो दोनों कातर का पार्ट का ज्वाइन किया है और युग पट्टी ज्वाइन किया है ये तीनों को बिल्कुल बराबर यहाँ पर रखना है। अगर बराबर नहीं होने से पहनने के बाद आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है तीनों चीज़ को बराबर रखना है। तो चलिए यहाँ से कमर पट्टी काट करना है। फिर यहाँ से नेक पट्टी भी काट कर लूँगी। यहाँ पर देखिए नेक पट्टी को कुछ मैंने इस तरीके से काट करूँगी। तो इसलिए अभी यहाँ से नेक पट्टी सिलाई करूँगी। इसको देखिए मैंने सीधा काट किया है तो इसलिए यहाँ पर राउंड कॉर्नर में 1 से 2 प्लेट डालकर सिलाई करूँगी। 1 से 2 प्लेट नहीं डालने से क्या होगा, आपका नेक पट्टी जब भी उल्टा साइड की तरफ से प्लेट लेगा तो उसमें कपड़ा खिंचाव हो जाएगा। इस तरीके से सिलाई करने के बाद यहाँ से बराबर रखना है। अगर बराबर नहीं होने से जिस साइड में ज़्यादा है उसी साइड की तरफ से थोड़ा सा सिलाई कर देना है और बराबर कर लेना है। यहाँ पर देखिए बराबर है दोनों तो यहाँ से छोटा छोटा काट लगा लूँगी।
तो बैक पार्ट को मैंने यहाँ पर अस्तर के साथ यहाँ पर सिलाई करके अटैच करके लिया है। इसको देखिए, फैब्रिक को सीधा साइड की तरफ से लाकर और इसके ऊपर मैं अस्तर को रखकर सिलाई करके लिया है। तो चलिए अभी यहाँ से दांत लगाऊंगी। दांत यहाँ से देखिए, टू फुल में यहाँ पर हाफ इंच लिया है और उठाया हुआ है मैंने यहाँ से 5 इंच तक, नहीं तो 5.5 इंच तक उठाना है। आप इस दांत को आप अपने हिसाब से उठाकर सिलाई करना है, आपको कितने इंच तक रखना है। यहाँ पर देखिए दोनों साइड की तरफ से यहाँ पर दांत सिलाई कर लिया है। तो चलिए अभी दोनों पार्ट को अटैच करूँगी, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अटैच करूँगी। यहाँ पर देखिए बैक साइड की तरफ से यहाँ पर नेक पट्टी सिलाई नहीं किया है, सिर्फ फ्रंट साइड की तरफ से किया है। तो जहाँ से नेक पट्टी को सिलाई किया है वहाँ से ठीक बराबर मिलाकर यहाँ से सिलाई करना है। यहाँ पर दोनों सिलाई यहाँ से डबल सिलाई देने के बाद किनर से पिको कर ले लेना है। मैंने यहाँ पर देखिए पिको कर ले लिया है। तो चलिए अब यहाँ से स्लिप सिलाई करूँगी। स्लिप में देखिए मैं यहाँ पर अस्तर नहीं लगाऊंगी, अगर आप अस्तर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर अस्तर भी लगा सकती हो। तो यहाँ से देखिए स्लिप को मिडल बराबर बिल्कुल मिलाकर लेना है। इस तरीके से ही सिलाई करना होता है स्लिप को। अगर एक साइड की तरफ से सिलाई करने से क्या होगा, दूसरा साइड की तरफ से ज़्यादा होगा और एक साइड की तरफ से कम होगा। तो चलिए अभी जहाँ से स्लिप को सिलाई करना स्टार्ट किया है फिर से वहाँ से मिलाकर यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करना है। तो स्लीव अटैच करने के बाद तसले कमर पट्टी सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर कमर पट्टी को इस तरीके से यहाँ से ज्वाइन देना है। देने के बाद देखिए किनारे से पहले फोल्डिंग करके सिलाई कर लेना है। तो चलिए अभी बैक पार्ट का कमर के साइड की तरफ से सिर्फ यहाँ पर कमर पट्टी सिलाई करना है, फ्रंट साइड की तरफ से नहीं करना है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से लेना है, लेने के बाद यहाँ से हाफ इंच लेकर सिलाई करना है। फिनिशिंग के लिए सिलाई देना है। तो यहाँ से देखिए फिनिशिंग का सिलाई बिल्कुल यहाँ पर देखिए कमर पट्टी के साइड की तरफ से देना है। मेन फैब्रिक का साइड की तरफ से कभी भी फिनिशिंग का सिलाई नहीं देना है, कोई भी फिनिशिंग का सिलाई में। तो चलिए अभी दोनों साइड से कुछ इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो यहाँ से देखिए इसके लिए कोई भी यहाँ पर मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए बिना मेजरमेंट से बिल्कुल किनारे से यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से सिलाई करने से क्या होता है, आप ब्लाउज को कभी भी छोटा बड़ा करने में कोई भी परेशान नहीं होगा, बहुत इजी तरीके से सिलाई कर सकती हो। तो चलिए अभी दूसरा साइड के स्लीव भी सिलाई करना है।
तो दूसरा साइड के स्लीव भी सिलाई कंप्लीट है, तो चलिए इसको भी साइड से सिलाई करना है। तो यहाँ से देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलता है इसको सिलाई करने के बाद ही काट कर देना है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए जितना तक यहाँ पर चेस्ट में फैब्रिक है उतना तक यहाँ पर बराबर लेकर सिलाई करना है। स्लीव में यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक है इसको काट कर देना है। मैंने यहाँ पर किनारे से यहाँ से एक पिको करके ले लिया है। तो चलिए अभी यहाँ से हुक कितना तक रखना है हुक के लिए, तो यहाँ से मैं देखिए 7.5 इंच तक रखकर यहाँ से फोल्डिंग करूँगी। आप यहाँ से 8 इंच रखना है तो 8 इंच भी रख सकते हो, आप अपने हिसाब से रखना है। तो चलिए यहाँ से कच्चे सिलाई देना है, इस सिलाई को हाथ से तुरफाई करने के बाद खोल देना है। तो चलिए अभी 38 साइज के हिसाब से यहाँ पर मेजरमेंट लेकर सिलाई करना है। मैंने यहाँ पर 38 साइज के हिसाब से मेजरमेंट ले लिया है, तो चलिए अभी यहाँ से फिटिंग्स करना है। फिटिंग्स हमेशा बैक साइड की तरफ से ही फिटिंग्स का मेजरमेंट लेना है। आपका साइज जितना साइज का भी ही हो हमेशा फिटिंग्स बैक साइड की तरफ से ही लेना है। फिटिंग्स भी हमेशा आप अपने हिसाब से ही फिटिंग्स करना है। अगर आपको थोड़ा लूजिंग चाहिए तो लूजिंग रखना है, थोड़ा फिटिंग्स चाहिए तो फिटिंग्स ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज का सिलाई पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए देख लेते हैं इसको मैंने किस तरीके से यहाँ पर सिलाई किया है। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इस ब्लाउज को सिलाई किया है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर इसका फिटिंग्स भी देख लीजिए किस तरीके से इस ब्लाउज का फिटिंग्स आया है। तो यहाँ पर देखिए कतर का शेप भी यहाँ पर बहुत अच्छे से आया है। तो चलिए रियली इसका फिटिंग्स देख लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग खुद ही देख सकती है इस ब्लाउज का फिटिंग्स किस तरीके से आया है, बहुत अच्छे से इसका फिटिंग्स आया है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को भी मेरी जैसा परफेक्ट फिटिंग्स प्रकट ब्लाउज चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखना, आपका ब्लाउज भी मेरा जैसा ही परफेक्ट फिटिंग्स होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे जैसे आपको भी परफेक्ट फिटिंग्स कतर के शेप चाहिए तो इसका कटिंग का वीडियो को सबसे पहले देखिए, उसके बाद ही सिलाई का वीडियो देख लीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों को परफेक्ट फिटिंग्स ब्लाउज चाहते हैं तो फ्रेंड्स बैक साइड की तरफ से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए बैक साइड की तरफ से जीप ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर इसका शोल्डर नहीं गिर रहा है। अगर आप लोगों को भी मेरी जैसा डीप नेक ज़्यादा ब्लाउज चाहिए तो इस प्रकार कटिंग का वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। मैंने यहाँ पर आप लोगों को सही तरीके से इसका मेजरमेंट बताया है, आप लोग भी इसी तरीके से कटिंग कीजिए, आपका ब्लाउज भी परफेक्ट फिटिंग्स होगा। तो फ्रेंड्स आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए।